देखिए, अयोध्या के अंदर श्री राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा हुए लगभग 20 दिन से ज्यादा हो गए हैं। वो अयोध्या जहां पे राम मंदिर बनाने के लिए लगभग 500 सालों से स्ट्रगल चल रहा था, वो अयोध्या जहां पे राम मंदिर बना तो तमाम विपक्ष के नेताओं ने ये कहा कि राम मंदिर ही क्यों, वहां पे हॉस्पिटल या फिर कोई और चीजें बना दी जाती तो लोगों का फायदा हो जाता। वो राम मंदिर सिर्फ 20 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को $10 मिलियन कमा के दे दिया है। राम मंदिर को दर्शन करने के लिए लगभग डेली 5 लाख से 10 लाख श्रद्धालु अयोध्या के अंदर आ रहे हैं। अगर आंकड़े लगाया जाए तो वहां आने वाला हर एक आदमी सिर्फ 10,000 रुपए भी खर्चा करता है तो अगले एक साल के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए होते हैं। कुछ एक्सपर्ट का मानना यह भी है कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी अगले कुछ ही महीनों में $1 ट्रिलियन बन सकती है। अगले कुछ ही महीनों में राम मंदिर इतना रोजगार दे देगा जो लगभग सैकड़ों और हजारों फैक्ट्रियां मिलके भी नहीं दे सकती हैं। आप सोच के आश्चर्य हो जाएंगे कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है, तो घबराइए मत, वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में एक एक फैक्ट के आधार पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे राम मंदिर सिर्फ एक धर्म ब्रांड नहीं बल्कि एक बिजनेस ब्रांड भी बन गया है। देखिए, भारत के अंदर धर्म से जुड़ी भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की है, जिसका योगदान भारत की इकोनॉमी में 2.25% का है। अगर सबसे बड़े मंदिर की बात करें तो तिरुपति बालाजी से अकेले सालाना कमाई 3,000 करोड़ रुपए का होता है। दूसरे नंबर पर आता है शिरडी के साईं बाबा की मंदिर, अकेले सालाना 500 करोड़ की रिवेन्यू इकट्ठा करके देता है। तीसरे नंबर पर हर साल होने वाला कांवड़ यात्रा, जहां से भारत गवर्नमेंट को 250 करोड़ रुपए की रेवेन्यू जनरेट होती है। अगर एक ग्लोबल रिपोर्ट की माने तो अयोध्या के अंदर हर साल लगभग 5 करोड़ श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आएंगे, जिससे अकेले सिर्फ श्री राम मंदिर से ही उत्तर प्रदेश को 25 से 30 हजार करोड़ का सालाना आय होगा। अयोध्या को डेवलप करने में जो 2020 के बाद फैसला आया और उसके बाद से जो अयोध्या के अंदर डेवलपमेंट हुई है उसमें लगभग 80,000 करोड़ रुपए खर्चा हुए हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सिर्फ 3 सालों के अंदर ये 80,000 करोड़ रुपए जो खर्च हुए हैं उसकी भरपाई सिर्फ राम मंदिर की कमाई से हो जाएगा। इसके साथ ही अयोध्या के अंदर जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए होटल्स, एयरलाइंस, हॉस्पिटलिटी, FMCG और ट्रेवल भी जरूरी होगा। आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि 2020 के अंदर जब श्री राम जन्मभूमि पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उस टाइम वहां की जो जमीन की रेट थी और आज की अगर फर्क मिलाया जाए तो 4 गुना से 10 गुना तक जमीन के रेट बढ़ गए हैं। ताज ग्रुप ऑफ होटल तो यहां पर 2 5 स्टार ताज होटल का कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दिया है जो अगले एक साल के अंदर ही बना के तैयार हो जाएंगे। ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल ने भी कहा कि अयोध्या के अंदर अगले एक साल में 1,000 ओयो रूम्स का व्यवस्था कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं उन विपक्षी नेताओं की या उन लोगों की जो ये कहते थे कि मंदिर बनने से क्या ही फायदा हो जाएगा। अगर आपको एक एग्जाम्पल देके समझाएं तो अगर किसी शहर में 2 स्टार होटल भी बनता है तो उसके लिए 20 से 30 लोगों की जरूरत पड़ती है, रूम सर्विस हो या सेफ हो या मैनेजर। आप ये कह सकते हैं कि इसमें से 1 या 2 लोग बाहर की देशों या बाहर के किसी राज्य से मंगाए जा सकते हैं जिसमें मैनेजर वगैरह हो सकते हैं या सेफ हो सकते हैं, लेकिन बाकी के कुछ लोग जो होते हैं वो तो लोकल ही होंगे ना, तो रोजगार मिला कि नहीं मिला। एक अच्छी बात और भी है कि यहां की जो यूपी गवर्नमेंट है उसने लोगों से यह भी अपील कर दिया कि आपके पास अगर 2 मंजिला घर है तो आप अगर एडजस्टमेंट कर सकते हैं तो आप एक जगह रहिए और एक उसको होम स्टे बना सकते हैं जिसमें आप लोगों को रख सकते हैं और उससे पैसे कमा सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर कोई घूमने आता है तो वो सिर्फ होटल में रुकेगा और मंदिर की पूजा करके जाएगा नहीं, यहां से वहां जाने के लिए उसको ट्रेवल की जरूरत पड़ती है और ट्रेवल से तमाम टैक्सी और ऑटो वालों को फायदा होगा कि नहीं होगा। उस शहर में लोग अगर 2 दिन के लिए रुकते हैं तो उन्हें खाने की भी जरूरत पड़ती है, वो तमाम होटल्स या रेस्टोरेंट में जाएंगे जिन्हें उनको पेट भरने के लिए जरूरत पड़ेगी, तो रेस्टोरेंट और होटल वालों का फायदा होगा कि नहीं होगा। अब कुछ बुद्धिमान लोग आएंगे कमेंट में यह भी लिखेंगे कि यहां पे तो हिंदुओं का चकचक है, मुस्लिमों का क्या, क्या रेस्टोरेंट अयोध्या में खोलने के लिए यह लिखित दिया गया है कि वहां सिर्फ हिंदू ही रेस्टोरेंट खोलेंगे या सिर्फ मुसलमान भाई ही ऑटो चलाएंगे या मुसलमान भाई रेस्टोरेंट नहीं खोल पाएंगे। वहां पे हर एक कौम, हर एक बिरादरी, हर एक जाति, हर एक मजहब के लोगों को फायदा होगा। इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ और सिर्फ यही मकसद था कि हम
किसी भी चीज को गलत तो कह देते हैं, बट उसके पीछे के जो मकसद होते हैं उसे जाने बगैर। आप गलत को गलत कहिए, आपका हक बनता है, डेमोक्रेटिक कंट्री में आप रहते हैं, लेकिन जो चीज सही है या जिस चीज से लोगों का भला हो रहा है उसको गलत कहके आप खुद को गलत मत बनाइए। कभी कभी आप सरकार के विरोध में, सरकार की विरोध करते करते आप देश का विरोध कर जाते हैं। आपको लगता है कि यार अगर सरकार कुछ अच्छा भी कर रही है तो विरोध ही करो, क्योंकि हम तो अपोजिशन वाले हैं, विरोध करना हमारा फर्ज बनता है। लेकिन नहीं, अगर सरकार अच्छा कर रही है तो आपका फर्ज बनता है कि आप कहें कि हाँ वो अच्छा है। लेकिन आपके विपक्ष होने के नाते अगर सरकार गलत भी कर रही है तो आवाज उठाना भी आपका फर्ज बनता है। अगर कहीं पे मस्जिद बनता है तो हिंदू समाज के लोगों को थोड़ा भी एतराज नहीं होता कि मस्जिद क्यों बन रहा है, या हिंदू समाज के लोग ये नहीं कहने जाते कि मस्जिद क्यों बन रहा है, वहां पे हॉस्पिटल बना देते या फिर कुछ और बना देते। धर्म सबका है, सब सारे मजहब के लोग अपने धर्म से लगाव रखते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने धर्म की रक्षा करें। हमारा भी फर्ज बनता है कि हम बिना किसी धर्म पे उंगली उठाए अपने धर्म का पूजा करें। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।